हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ बिकॉज समथिंग केम टू माय माइंड। हम सब वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, बस इट रियली अ वर्ल्ड वॉर? मुझे ऐसा लगता है कि देर इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इट इज नॉट वर्ल्ड वॉर, इट इज वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। हम पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में डिवाइड हो रही है। और जब मैंने वीडियोस बनाना शायद 2019 में जब वीडियोस बनाना शुरू की थी, वहां से आई थिंक वी स्टार्टेड सेंसिंग दिस एनर्जी। उसके बारे में बात भी की थी, एंड देन 2020 में और स्ट्रांगली हुआ, 2021 में और स्ट्रांगली हुआ। तो वर्ल्ड जो है दो भागों में डिवाइड हो रहा है और होना ही है, क्योंकि युग परिवर्तन उसके बिना नहीं हो सकता। कौरव एक तरफ, पांडव एक तरफ, तभी युग परिवर्तन होता है। और द एनर्जी दैट इज फ्लोइंग राइट नाउ, हम बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर। क्या वर्ल्ड वॉर हो रहा है और क्या वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है? वर्ल्ड वॉर है जहां जहां पे दो से ज्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, या मोर कंट्रीज, टू और थ्री और मोर कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर इन अ वर्ल्ड वॉर, राइट? सो हम अभी तक बोल रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर है या वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड वॉर होगी कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड, इट इज द फाइट फॉर योर ओन वर्ल्ड। ये वॉर है जो शुरू हो चुकी है 2020 में, 2030 में खत्म होगी, अपनी दुनिया बनाने के लिए। और इसमें दो तरह की ताकतें हैं। नेगेटिव लोग जो हैं वो अभी भी कलयुग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो नेगेटिव दुनिया बना के रखना चाहते हैं। पॉजिटिव लोग जो हैं वो उस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, वो उस दुनिया को दोबारा बदलना चाहते हैं अच्छी दुनिया में, अच्छे वर्ल्ड में। और उसके बीच में जो क्लैश है, दैट इज द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये अपनी अपनी दुनिया की लड़ाई है, ये अपनी अपनी दुनिया को एस्टैब्लिश करने की लड़ाई है। और आज तक जब जब युग परिवर्तन हुआ है, ये वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स हुई ही हुई है। और उसमें एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेगेटिव होता है, एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉजिटिव होता है, दोनों क्लैश करते हैं। और वहां से एक नई दुनिया जो है वो आती है। और इस बार वो नई दुनिया जो आएगी वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव होगी, वो पावरफुल होगी, वो खूबसूरत होगी। लेकिन उसको लाने के लिए जो प्रोसेस होगा वो डिफिकल्ट होगा, प्रॉब्लम्स वाला होगा, वॉर वाला होगा, पेन और पेन वाला होगा, लेकिन प्रोग्रेस वाला होगा। मैं बहुत सारे वीडियोस, मुझे लिंक्स आते हैं और आप में से काफी लोग भेजते हैं, तो मैं उनको कई बार देखती हूँ, कई बार क्लिप्स देखती हूँ। तो मैं देख रही थी कि अप्रैल के महीने को लेकर बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस हैं कि वॉर है, बहुत बुरा महीना है, बहुत ऐसा महीना है। अभी आई डोंट नो हु इज राइट हु इज नॉट, बट जब मैंने कार्ड्स निकाले, मुझे ऐसा लगा कि अप्रैल का महीना वही वॉर ऑफ वर्ल्ड्स का महीना है। बुरा नहीं है, गलत नहीं होगा, बुरी एनर्जीज भी नहीं होंगी, लेकिन वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जब होती है तो इनोसेंट को भी सफर करना पड़ता है, और जो क्रिमिनल है, जो नेगेटिव है, जो बुरा है, जो विलन है, उसको भी सफर करना पड़ता है। विक्टिम्स भी होते हैं, और विक्टिम्स जो हैं वो दोनों तरफ होते हैं, राइट? विक्टिम्स जो हैं वो इनोसेंट में भी होते हैं और विलन में भी होते हैं। लेकिन विक्टिम एनर्जी से हमें बाहर निकलना है, बिकॉज वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर द बेटर डेज, आगे आने वाले जनरेशन की बेहतरी के लिए। तो जब बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि यूएस वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है, देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज बीइंग पुश्ड, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा, ये डिफिकल्ट होगा। नाउ देयर आर टू वर्ल्ड्स एंड टू वर्ल्ड ऑर्डर्स। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा वर्ल्ड जो है जीतता है और कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर जो है उससे लगता है। एंड ट्रस्ट मी यू, the way the world is changing, the way the energies are shifting, it is going to be only the right kind of people winning. So is waqt मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, डोंट गेट इनटू इमोशनल एनर्जी, डोंट गेट नेगेटिव, डोंट थिंक कि हमें पीस चाहिए, हमें पीस चाहिए, किसी भी तरह से पीस हो जाए। आई नो हम सबको पीस चाहिए, लेकिन अगर वो पीस वैसी हुई जहां पे फिर से एक वॉर में आप वापस जाते हो, या जहां पे फिर से ऑल दो नेगेटिविटी, ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लिविंग कंडीशंस बैड, फिजिकल कंडीशंस बैड, नए नए महामारी आ रही है, नई नई कोविड की तरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप उसी साइकिल में घूमते रहोगे थिंकिंग के हम पीस में हैं, बट हम पीस में नहीं हैं। ओके, हम पीस में नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। और आज के डेट में आपके घर तक वो प्रॉब्लम नहीं पहुंची होगी, कल के डेट में पहुंच जाएगी। सो दैट इज वाई पीस इज गुड, पीस इज इंपॉर्टेंट, पीस इज नीडेड, बट एट टाइम्स देर इज वॉर नीडेड टू क्रिएट दैट पीस। एंड दैट इज वाई मैं आप सबसे ये नहीं बोलूंगी कि ये प्रे मत करो कि पीस हो जाए, मैं ये बोलूंगी कि ये प्रे करो कि जो बेस्ट है आने वाली जनरेशन के लिए, जो बेस्ट है ह्यूमैनिटी के लिए, वो हो जाए।
अब वेदर इट इज अ वॉर, वेदर इट इज पीस, लीव इट टू द पावर्स, लीव इट टू द सुप्रीम पावर टू डिसाइड, लीव इट टू वट एवर गॉड सोर्स, हाउ एवर यू कॉल इट, लेट इट, लेट इट ऑन इट, लेट इट ऑन देम टू डिसाइड इट, बट डोंट पुश द एनर्जीज. डिवाइन को पुश मत करो कि हमें अभी पीस चाहिए, बस किसी तरह से पीस हो जाए बिकॉज लाइफ लॉस हो रहा है. बट ये पीस जो है इसके बाद लाइफ लॉस जो है वो फिर भी कंटिन्यू रहेगा एंड इट इज गोइंग टू बी वर्स फॉर द जनरेशन दैट कम. एंड ये 10 साल जो है ये ऐसे ही है, इसमें या तो एक बार गेम खत्म हो जाए, एक बार एक साइड हो जाए, क्लियर हो जाए, या फिर ये साइकिल चलता रहे. आई नो कि हम सब लोग दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए फील करते हैं, आई नो किसी के बच्चे हैं वहां पे, आई नो किसी के फैमिली मेंबर्स हैं, आई नो किसी के रिलेटिव्स हैं, और अभी ये वहां पे हो रहा है, कल को ये हमारे देश में भी हो सकता है, कल को किसी और देश में भी हो सकता है, हमारा घर, मेरा घर, सबका घर इम्पैक्ट हो सकता है. एट दैट टाइम ऑल्सो मैं सेम चीज बोलूंगी, दिस इज वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स. और अगर आप चाहते हो कि आपका वर्ल्ड जो है वो बेटर बने आने वाली जनरेशंस के लिए, आप एक बेहतर जिंदगी दे पाए उनको, तो लेट दिस वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स हैपन एंड लेट वन वर्ल्ड विन, इट इज नीडेड. सो दैट इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू से. एंड यस, प्रे फॉर पीस बट इन अ डिफरेंट वे. प्रेयर ये कीजिए कि जो बेस्ट है ह्यूमैनिटी के लिए वो हो, और हम तैयार हैं जो बेस्ट है ह्यूमैनिटी के लिए उसको होने देने के लिए. सो दिस इज द ओनली मैसेज दैट आई हैड टू गिव. एंड प्लीज वॉच अप्रैल की प्रिडिक्शंस देखिए, मार्च की प्रिडिक्शंस देखिए, रादर मैं बोलूंगी कि मार्च के 2 दिन चले गए हैं, उनकी प्रिडिक्शंस देखिए. आपको अपने आप फील होगा कि हर दिन जो बोला गया है वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है. सो यू विल नो कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्यों बोल रही हूँ. सो इफ यू गेट टाइम प्लीज वॉच दोज प्रिडिक्शंस, दे विल रियली रियली हेल्प यू, एंड दे विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है. तो आधे से ज्यादा तो डर के मारे ही दम तोड़ दे रहे हैं कि अप्रैल में वॉर हो जाएगी, अप्रैल में वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, अप्रैल में बहुत तहस नहस हो जाएगा. तो आधे से ज्यादा ने तो हिम्मत ऐसे ही छोड़ दी है, आधे हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम में आ जाएंगे. इट इज नॉट बैड गाइज. मेरे को अप्रैल का महीना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. मैं अप्रैल के महीने में कृष्ण या गीता के 2 कार्ड्स आए हैं, प्लीज उन दोनों कार्ड्स के जो श्लोक्स हैं उनको पढ़िए, आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि कुछ चीजें जरूरी हैं और क्यों जरूरी हैं. उसमें वही पार्ट आया है जहां पे कृष्ण ने अर्जुन को अपना पूरा रूप दिखाया था और विराट रूप दिखाया था और बताया था कि युद्ध क्यों जरूरी है. तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि अगर कृष्ण को आप गलत समझते हो या समझते हो कि कृष्ण ने गलत किया, ही वॉज अ विलन, तो फिर मत चाहिए इस एनर्जी में. लेकिन अगर आप समझते हो कि कृष्ण वॉज अ हीरो एंड कृष्ण गॉड है, भगवान है, वो वाकई ही में जानते थे क्या हो रहा है, तो वो इस बार भी जानते हैं क्या हो रहा है. बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी इच्छा है, बट मैं इतनी इतनी ही आपके साथ प्रे करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिर्फ ये प्रे कीजिए कि जो बेस्ट है ह्यूमैनिटी के लिए वो हो, जो बेस्ट है युग परिवर्तन के लिए वो हो, और चीज़ों को फ्लो करने दीजिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.